अस्सलाम वालेकुम। मज़मून खेले करे और सीखे में हम सबक पढ़ रहे हैं महारत पर मबनी सरगर्मियाँ। हिस्सा अव्वल में हम देखेंगे कि जिम्नास्टिक और एथलेटिक्स और उनके खेल कौन कौन से होते हैं। जिम्नास्टिक की शुरुआत 1811 में फ्रेडरिक गडोक जॉन ने किया, जिन्होंने शुरुआत की अंगूठिया, हाई जंप, कार्ड फ्लो और मालखोस जैसे खेलों की। इन खेलों को खेलने के लिए हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है। हमारे जिस्म का लचीलापन, हमारे जिस्म में ताकत और उसी के साथ साथ वर्जिश की आदत भी हमें होना लाजमी है। इन सब खेलों को खेलने के लिए हमें हमारे उस्ताद की, हमारे असातिज़ा की निगरानी में खेल खेलना ज़रूरी है। दौड़ना, हाई जंप, रस्सी के ऊपर से कूदना, ये सब क्या है? ये सब खेल है। उसी के साथ साथ दीवार के सहारे या फिर अपने हैंड के सहारे हम उल्टा खड़े होना, जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करने से पहले हमको दीवार के सहारे खड़े रहना सीखना पड़ेगा। नीचे हाथों को रखे और धीरे धीरे अपने पैरों को दीवार पर रखकर पूरी तरीके से उल्टा हो जाए और फिर उसके बाद अपने हाथों के ऊपर हमारा पूरा वजन हो। ये भी एक खेल है, एक कंपटीशन है कि आप कितनी देर तक के ऐसे खड़े रह सकते हैं। उसके बाद एथलेटिक्स में बहुत सारे खेल आते हैं, जैसे भाला फेंक, थाली फेंक, गोला फेंक, स्विमिंग करना और उसी के साथ साथ दौड़ लगाना। जिम्नास्टिक और एथलेटिक्स गेमों को खेलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फिट रहने की ज़रूरत है और इसकी मशक करने की ज़रूरत है। तो याद रखिए, इन खेलों को अगर आपको खेलना है तो आप अपने असातिज़ा की निगरानी में खेलें और अपने आप को तंदुरुस्त और सेहतमंद रखें।